नमस्कार दोस्तों, मैं अमर सहानी उसी फिटनेस क्लब में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबको पुशअप्स और चिनअप्स के बारे में बताना चाहता हूं। चलो आज शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम अपने अपने बॉडी का वार्म अप करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद से पुशअप्स और चिनअप्स के बारे में बताएंगे आप सबको कि कैसे किया जाता है। करने के लिए जैसे कि हमारा जो पैर है, हमारे शोल्डर के साइज में हमारा पैर रहेगा, उसके बाद से शोल्डर से थोड़ी बाहर हमारा हाथ रहेगा, उसके बाद से बॉडी को पूरा स्ट्रेट मिलेंगे, उसके बाद से हम पुशअप करेंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ कि उसको फॉलो करें आप। तो शुरू करते हैं पुशअप करना, करके बताता हूँ मैं आप सबको। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे शोल्डर से थोड़ी बाहर हाथ है और पैर शोल्डर के साइज में है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12-12 रैप के 4 सेट लगाने होते हैं, उसमें आपकी बॉडी और पुशअप्स कंप्लीट हो जाएगा, बॉडी हीट हो जाएगी। तो हम इसका 4-4 सेट करेंगे। तो मैंने करके दिखा दिया। आप दूसरा पुशअप्स आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों पंजों को ऐसे मोड़ें, मुट्ठे को ऐसे बाहर करें और सीधे शोल्डर के साइज में लगाएं और सेम पोजीशन वही ले लें और सीधे नीचे जाएं। क्या करना है कि इससे हमारे जो चेस्ट की साइज है, जो चेस्ट का अपर पार्ट है, इस पर बहुत प्रेशर पड़ता है, तो चेस्ट हम बहुत अच्छा करते हैं। जो एडवांस लेवल की है, इसे करने से हमारा चेस्ट की ग्रोथ बहुत अच्छे होते हैं, चेस्ट की साइज बहुत अच्छी आती है, तो इसको एडवांस लेवल के ही लड़के करते हैं। कुछ सबसे मैं बताना चाहता हूँ आप सबको। ओके, सबसे पहले तो आप दोनों हाथों को क्लोज करो, उसके बाद से दोनों पैरों को शोल्डर से बाहर करो और बॉडी को स्ट्रेट करो। उसके बाद से इसका 12-12 का 4 सेट करना है। करते हैं। सेट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब चल, जैसा कि आप सबने देखा कि 3-3 पुशअप्स हमने करके दिखाया, 12-12 रैप के 4-4 सेट के। तो पहला हम शोल्डर साइड से पंजे का बताया, दूसरा पंच प्रेस बताया, तीसरा क्लोज पुशअप बताया। तो इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी को स्ट्रेट रखनी चाहिए और जो हमारे पार्ट है, लॉक है, उसको लॉक करना पड़ता है, उसको लॉक करें। उसके बाद से इसको आप घर पर भी कर सकते हैं, जिम में भी कर सकते हैं, पार्क में भी कर सकते हैं। इस पुशअप को करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद से अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं।